एक रागिनी की फरमाइश अब कह रहे थे पंडित जी, वो जगदीश पंडित पानीपत के पास एक आंचरा गांव था, उस समय जब अनपढ़ कवि थे, उस समय के पंडित जी दसवीं पास थे, उनकी एक कविता ही। माधे पार्वती चले जा रहे थे, पार्वती बड़ी दयालु थी कि महाराज इस आदमी का दुख मेट दो। बोले बावड़ी चाल न, सारी ये दुनिया दुखी है और ये रागिनी भी तकरीबन इतनी प्रसिद्ध हुई पंडित जी, रागिनी सुन भी रखी होगी। Yeah.
चौड़ा दुखी तरे एपी जोटा सांड मारना अड़ियल घोड़ा दुखी तरे परवाल भैंस और ऊंट पारना बैल लतोड़ा दुखी तरे तेरे पोता वारी पाताना सोते बताए तो दिन के बात कुचलनी मूर्ख बेटा भूअर नारी तो की करे बाप के मसी बुरा पड़ोसी ओछियारी तो की करे खोटा सत्संग जुआ दामनी चोरी जारी तो की करे फिर फलक ने खेत से फसल पछेती पानी प्यारी तो की करे जी विजय सिंह तवर जी 100 रुपए तवर साहब का बड़ा बड़ा धन्यवाद और 100 रुपए हनुमान सिंह जी इनाम के देते हैं बड़ा बड़ा धन्यवाद। आखरी गली में पंडित जी आने नो कोई बोयो थाना भी काम तो 20-30 को दूर होना चाहिए यो विशेष दिन का और ये सच बात है काम में जब चौकी होगी तो कोई और रिपोर्ट दिया होगा और 20 कोस आदमी जागा राम है गांव के कमांड के आदमी मिलेंगे अरे राम फड़के बात हुई भाई का लड़ाई है मेरे यार मना लेंगे कोई बात ना उल्टा लिया होगा हर काम में होगा तो सेहत बनेगी एक नपौवा पी के बीरबानी के मार दिए गांव में चौकी थी जा खड़ी हुई थाने में थानेदार जीप में जब पोषा का दड़ा मार ले गया
अच्छा खुट्टा गेर के नो बोला क्यों मारे थे इस बीरबानी के नो बोला साहब मन्ने तो अपनी करके मारे थे मन्ने के मेरा सरकारी है यार जुलम कमाना ताप बनाना दुखी करे दूर शमाना पैदल जाना रात को आना दुखी करे मेला पाना लगे लाना ज्यादा खाना दुखी करे उलझा तो